लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावें, बहुर बहुर नहीं आव ही फिर मुक्ता पद पावें। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नित की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दी जय। किसी भी संत का इतिहास देख लो, उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। मीराबाई ने कहा था, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे। गरीबदास साहेब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है ये तुरंत त्यागनी होगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक ये है, तो उनको हमें त्याग कर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का पाना बहुत आसान है। काल ने हमें इतना उलझा दिया, जैसे भी किसी के संतान नहीं है। उसको ये कहा करते थे कि इसकी तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए। नो कहा करते जिसका संतान नहीं है, केले बता सुबह सुबह यू लाग गया नपूता माथे के, और वो भी महसूस करते थे कि अब ये सोच रहा होगा, ये करते हैं अभी भी ऐसा ही है। ये पुण्यात्माओं, यहाँ काल की सारी उल्टी रीति है। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित होंगे तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने चलना पड़ेगा। लोकलाज की परवाह नहीं करनी होती। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता सुख स्त्री, आलस बंधु कान, और संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण, इनका अटकाया अटके नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नसा। मात पिता, जैसे छोटे बच्चे हैं तो माता पिता जिनको ज्ञान नहीं वो बाधा करते हैं, और जिनके बच्चे बड़े हैं मात पिता चाहते हैं सत्संग की तरफ चलें तो बात वो बच्चे बाधा करते हैं। किसी की पत्नी बाधा करती है, किसी का पति बाधा करता है, कहीं बंधु कान यानी लोक लाज। तो परमात्मा कहते हैं कि इनका अटकाया अटके नहीं, इनका रोका रोके नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है फिर आवागमन नसा। तो पुण्यात्मा, सत्संग माने से ज्ञान होता है, जैसे जिसके संतान नहीं है। परमात्मा के विधान अनुसार वो सबसे उत्तम पुरुष है, यदि उसको भक्ति मिल गई। तो नाम नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत को नहीं होती, संतान है या ना है। ये नहीं है कि जिनके कहना ये नहीं है कि जिनके संतान है वो निकम्मे हैं, नहीं। जैसा दृष्टिकोण समाज का था उसके विपरीत है परमात्मा का विधान। हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ संस्कार वश जुड़े हैं, और जब भी जिसका संस्कार पूरा हो जाएगा तुरंत यहाँ से चला जाएगा, चाहे कि उसका कितना ही जरूरी आवश्यक कार्य शेष हो। आपको खूब पता इस बात का। तो ऐसे किसी के पुत्र युवा मर जाते हैं, एक व्यक्ति ने अपना पुत्र पढ़ाया, खूब शिक्षा ग्रहण कराई उसको, और इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, और उसको पोस्ट भी प्राप्त होगी, नौकरी भी प्राप्त होगी, विवाह का समय रख दिया, विवाह से 3 दिन पहले एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब इकलौता पुत्र था, अब क्या कहें,
अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुणात्माओं ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है उतना ही रह सकोगे, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा यानी फिर हम ये आगे बताएंगे कि इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा, जब तक हे परमात्मा कहते हैं हे जीवात्मा जब तक तू हमारी मर्यादा में है तब तक काल का दाव नहीं लगेगा, काल का तीर नहीं लगेगा। परमात्मा की मर्यादा ये नियम है कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। परमात्मा बता रहे हैं कि 100 वर्ष ये साधना कर रहे हैं हमने जो बता रखी है और एक दिन आन उपासी एक दिन आन उपासना कर लिया अन्य जो पूजाएं कर दी तो कहते वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ये मर्यादाएं खंड नहीं होनी चाहिए हमारे नाम को, बहुत दृढ़ता से हमने नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ाना है। फिर देखना खेल मालिक के, तो जो निसंतान हैं उनका आगे कोई लेन देन नहीं है, उनका आपस में संस्कार किसी से शेष नहीं है। संत मत के अनुसार वो बहुत उत्तम आत्माएं हैं यदि उनको ये मार्ग मिल जावे तो, अन्यथा तो फिर परमात्मा कहते हैं वो तो जो सत साधना नहीं कर रहे वो तो चाहे संतान है या ना है दोनों एक जैसे। हाँ जिनके संतान है वो भी बुरे नहीं क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति मिलगी, पूरा परिवार भक्ति करे, बच्चों को भी लावे शरण में। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे और ये अननेसेसरी चोट नहीं लागण दे भगवान, आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है। और कोई परमात्मा जिनको हम भगवान मानते थे वो हमारी आयु एक्सटेंड नहीं कर सकते।